Hello everyone. Welcome to the Pack Info channel. Before we get started, make sure to like and share this video, smash the subscribe button and click the notification bell. Mohib hai, Muhammadullah Mohib hai. Ye bunyadi taur ke upar inka Afghanistan ki sarzameen se koi zati taluq nahi hai. Inke khandan bhi wahan pe nahi rehte hain. Ye wahan pe makhsoos मिशन के ऊपर ही आए हैं और हम इनके खिलाफ कोई हम अमरुल्लाह साले के बयानात के ऊपर या मोहिब के बयानात के ऊपर हम कोई अपने जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन जब हमने देखा कि उन्होंने एक वतीरा ही बना लिया है पाकिस्तान को बदनाम करने का, पाकिस्तान को हर मामले में घसीटने का, फिर हमें जवाब देने पड़े और कल हमारी जो काबीना के अरकान हैं उन्होंने इनकी गुफ्तगू का, अमरुल्लाह साले की गुफ्तगू का जवाब दिया. जो हमदुल्ला मुहिब हैं इन्होंने मई के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान के बारे में जिस गंदी ज़ुबान का मुजाहरा किया वो मैं यहाँ रिपीट भी नहीं कर सकता. जिस तरीके से उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को बेइज्जत किया, जिस तरीके से उन्होंने तकरीरों में हिंदुस्तान की मदा सराई की और पाकिस्तान के बारे में गलीज गुफ्तगू की, उसके बाद मई से पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने तमाम रबते नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफिस जो है अफ़गानिस्तान का उससे हम ख़त्म कर चुके हैं. हमने ये बात वाजे की हुई है कि हम इन साहिबान से कोई अपनी जो गुजारिशात हैं, जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर गुफ्तगू हम नहीं करते. नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे एक ऐसे शख्स से मुलाकात की है जिसके हिंदुस्तान से ताल्लुकात कोई ढके छुपे नहीं. दिलचस्प बात यह है कि मई के तीसरे हफ्ते में जब हमदुल्ला मुहिब ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की, उसके फौरन बाद जब उनकी मुलाकातें जो हैं वो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से हुई और उन्होंने वहाँ पर भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की. अब ये जो नेक्सस है, ये जो अफ़गानिस्तान के कुछ ये लोग हैं एहलकार, अफ़गानिस्तान के अवाम से, अफ़गानिस्तान के अंदर अमन अमान से हमारी कमिटमेंट है. पाकिस्तान ने यहाँ पे 50 लाख से ज़्यादा अफ़गान महाजरीन को पनाह दी, वो यहाँ पे आए. पाकिस्तान के पाकिस्तानियों ने अपना दीदा और दिल फरशरा किया अपने अफ़गान भाइयों के लिए. हमने क्या कुर्बानी है जो अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए हमने नहीं दी. अब कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जो अफ़गानिस्तान के तालिब इल्म पाकिस्तान में पढ़ते हैं उन्होंने कितनी पाकिस्तान की हुकूमत की, पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा किया कि हमने उन बच्चों को जो अफ़गानिस्तान से लुटे पुटे ख़ानदानों से आए थे, हमने उनको वो मौके फ़राहम किए कि वो ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान की ज़िंदगी जो है वो गुजार सके. और हमने अपने इस वक्त 6,000 से ज़्यादा अफ़गान तालिब इल्म पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनमें पढ़ रहे हैं. हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं उनके ऊपर अफ़गानिस्तान के से आने वाले जो लोग हैं वो उनसे वो इलाज भी करवाते हैं. हमारे डॉक्टर्स जो हैं उनका जो सर्विसेज हैं वो भी उनके लिए अवेलेबल होती हैं. हमने हर तरीके से अफ़गानिस्तान के अवाम की मदद की है और आज भी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अवाम के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा. हम अफ़गानिस्तान में अमन के लिए जो बात है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं. हम अफ़गानिस्तान के अंदर एक इंक्लूसिव हुकूमत के लिए कोशिश कर रहे हैं. वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो पहले दिन से एक मुद्दा रहा है, उनका जो एक नज़रिया रहा है, उनकी जो कोशिश रही है वो ये है कि हम अफ़गानिस्तान में किसी ग्रुप के साथ नहीं हैं, हम अफ़गानिस्तान के अवाम के साथ. और अफ़गानिस्तान के अवाम के साथ होने का मतलब ये है कि हम काबुल में एक ऐसी हुकूमत के लिए कोशां हैं जिसमें जिसके ऊपर तमाम लोगों का कंसेंसस हो, जिसके ऊपर तमाम लोगों का इतफाक़ राय हो, जिसमें तमाम ग्रोह
उसमें जो है वो इत्तफाक राय करें। और जब आप एक आइन बना लेंगे तो उसके बाद जाहिर है कि आपकी मर्ज़ी है कि उस आइन के मुताबिक आप कैसे चलते हैं। आपका कंसेंसस होना बुनियादी असूलों के ऊपर ज़रूरी है, हम उसके लिए कोशां हैं। इस ज़मन में ये जो मुलाकात हुई है ये बहुत अफसोसनाक है। नवाज़ शरीफ साहब और उनकी पार्टी से मैं पहले पूछना चाहूँगा कि क्या इस मुलाकात से पहले क्या नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी से इजाज़त ली? हुकूमत को नोटिफाई करना चाहिए था उन्हें कि वो मुलाकात करने जा रहे हैं और वो इन साहब से मिलेंगे और ये एरियाज़ ऑफ डिस्कशन होंगे। लेकिन अगर उन्होंने हुकूमत को मुनासिब नहीं समझा तो मैं पूछना चाहता हूँ जो मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप है उनसे कि क्या आप में से किसी को नवाज शरीफ साहब ने बताया कि वो क्यों मिलने जा रहे हैं और क्या एजेंडा होगा? क्या शाहिद खाकान अब्बासी हुए हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, खुद शहबाज शरीफ साहब हैं, इन लोगों को मालूम था कि ये मुलाकात होने जा रही है? और क्या कुछ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है PMLN की उसने इसकी इजाज़त दी नवाज शरीफ साहब को कि वो ये मुलाकात करें? और अगर ये मुलाकात उन्होंने ज़ाती हैसियत में की है, वो 3 दफ़ा मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, बहुत अहम है कि इस मुलाकात के जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, स्पेशली जो ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, वो अवाम के सामने लाए जाएं। क्योंकि इससे पहले नवाज शरीफ जब खटमंडों में नेपाल में उन्होंने जंदल साहब से मुलाकात की थी तो उसके ट्रांसक्रिप्ट्स अवाम के सामने नहीं आए, लेकिन बरखा दत्त जो हिंदुस्तान के एक नामवर सहाफ़ी हैं उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा कि उन्होंने जंदल साहब को मोदी साहब के लिए पैगाम दिया था कि पाकिस्तान की फ़ौज उनके रास्ते में रोड़े अटका रही और ये उस वक्त वज़ीर आज़म थे। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि अगर किसी मुल्क का वज़ीर आज़म अपने दुश्मन मुल्क के उस मुल्क के लोगों के उस मुल्क के सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल के अपने मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करेगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा? अगर पाकिस्तान के अंदर अब इस वक्त वो तस्वीरें लगा रहे हैं, मैंने देखा मरियम नवाज़ ने भी तस्वीर ट्वीट की कि इमरान खान की मुलाकात हुई मोदी साहब के साथ और जनरल बाजवा साहब की मुलाकात हुई मुहिब साहब के साथ। पहली बात तो ये है कि जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अफगानिस्तान के। एक तो ऑर्गेनाइजेशनल मुलाकातों की हैसियत और है, इंडिविजुअल मुलाकातों की हैसियत और है। इसके अलावा मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि मई 3रे हफ्ते के बाद जब से उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुगलजात बकी उसके बाद से पाकिस्तान के किसी अहलकार ने उनके साथ मुलाकात नहीं की। इमरान खान की जो मुलाकात हुई मोदी साहब के साथ उसमें उस वक्त साबिका वज़ीर ख़ारजा और अब मौजूदा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी उस मुलाकात में शामिल थे और पार्टी को पूरा इलम था कि इमरान खान की ये मुलाकात होने जा रही है। खुफिया मुलाकातें इमरान खान नहीं करते, खुफिया अपने इदारों के ख़िलाफ़ साजिशें इमरान खान नहीं करते और जो बात करते हैं वो खुली करते हैं। इमरान नवाज शरीफ साहब की जो हिस्ट्री है वो बहुत डूबियस है। नवाज शरीफ साहब की जो इस किस्म के मामलात के ऊपर उनकी जो एक तारीख़ है वो भरी हुई है कंट्रोवर्सीज से, उनकी तारीख भरी हुई है ऐसी गुफ्तगू से जो वो इंडिविजुअली जब करते हैं और ख़ुसूसन भारत से जब वो करते हैं तो वो बहुत शकूक व शुभात डाल देती है। इस वक्त पाकिस्तान को साजिशों का सामना है और बदकिस्मती से हमने देखा है कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर है, जो अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, उसको इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए। और इसके ऊपर हमने वो जो डोजियर है वो भी हम दे चुके हैं। हमने देखा है कि भारत का जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ एक जो सलूक है, हमने भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात की पूरी कोशिश की है, हम अब भी भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान ने ये वाजे किया है पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि आप हिंदुस्तान के साथ जब ताल्लुकात हमारे बेहतर होते हैं तो हम चीन और हिंदुस्तान जो दो बहुत बड़ी तजारती मंडियाँ हैं हम उनके दरमियान आ जाते हैं और उसके नतीजे में पाकिस्तान की और हिंदुस्तान के अवाम की हालत बदलती है। लेकिन बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती यह है कि हिंदुस्तान के ऊपर एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत है
जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जो एक इंतहा पसंदाना आइडियोलॉजी है, उससे मुतासर। और अब तमाम इकदामात हिंदुस्तान के अंदर मोदी साहब ने जो लिए हैं, चाहे वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद की बात हो, चाहे उनको गुजरात में फ़िरका वराना फसादात में मुसलमानों को शहीद किया जाए, चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, हर मामले में वो हिंदुवाता की एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, एक हिंदुवाता की इंतहा पसंद नज़रिया जो है वो मोदी साहब उनकी हुकूमत के सामने रहा। इस नज़रिए के साथ जब अफगानिस्तान के दो तीन लोग जुड़ जाते हैं और फिर वो नवाज शरीफ से मुलाकात करते हैं, तो ये जो सर्कल है ये एक इंतहाई, इससे शकूक व शुभात भी पैदा होते हैं और इससे एक हमारा जो सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन है उसको भी नुकसान पहुंचता। लिहाजा मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून को इसकी वजाहत देनी चाहिए। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या नवाज शरीफ साहब की इस मीटिंग का मुस्लिम लीग नून की जो CEC है उसने इसकी इजाज़त दी थी? नंबर टू, किन किन लोगों को मालूम था कि नवाज शरीफ ये मुलाकात करने जा रहे हैं? नंबर तीन, नवाज शरीफ साहब ने इस मुलाकात का एजेंडा किसके साथ शुरू किया? और नंबर चार, अब ये मुलाकात हो गई है, इसकी जो ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो शेयर किए जाने चाहिए पाकिस्तान के लोगों के साथ, पाकिस्तान के मीडिया के साथ, ताकि हमें मालूम हो कि इन्होंने आपस में गुफ्तगू क्या की। और उसके बाद मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये अमर साले हों या हमदुल्ला मुहिब हों, ये 20-20 साल से अफगानिस्तान में बरसर इक्तदार और ये हुकूमतों में शामिल रहे हैं। अब आकर के आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुगलजात बकते हैं, आप पाकिस्तान को हर बात का मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। आपने अपने मुल्क को मजबूत बनाने के लिए, अपने मुल्क को पाँव पर खड़ा करने के लिए क्या किया? अगर आप 20 साल की हुकूमत के बाद भी अफगानिस्तान को इस्तेहकाम नहीं दे सके तो आप उसका आप अपने गिरेबान में झांके। पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत अफगानिस्तान के अवाम के साथ खड़ी है, हम किसी एक ग्रुप के साथ खड़े नहीं होंगे। और ये ख्वाहिशें करना कि हम वहाँ पर आपकी लड़ाई हम लड़ें, ये मुमकिन नहीं। आपने अपने मसाइल खुद हल करने हैं और पाकिस्तान को गालियाँ निकालने से ये मसले हल नहीं होने। आप अपनी ऊपर तवज्जो दें। अब मैं शहजाद अकबर साहब से ये गुजारिश करूँगा कि जो दूसरा मामला है, जो हिंदुस्तान के अंदर एक स्पाई मैलवेयर के ज़रिए, स्पाई फंक्शन के ज़रिए जो टेप किए गए, रिकॉर्डिंग की गई, उसके ऊपर अपनी गुफ्तगू करें। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है थोड़ी मेरे नॉर्मल सब्जेक्ट से बड़ा हटके है और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है स्पेशली पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो बहुत ज़्यादा है। ये एक इशू है जो ना सिर्फ पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का इशू है बल्कि सॉवरेनिटी का इशू भी है। ये केस है एक इंडियन एस्पिनाज, जो साइबर एस्पिनाज का एक्ट है उसका मामला है और उसको एक्सपोज किया है एक सहाफ़ती तंजीम ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ मिलके। ये इस मामले के बारे में आपके इल्म में पहले से कुछ होगा, बहुत सारे जैद सहाफ़ी यहाँ मौजूद हैं तो उनको तो पता होगा, लेकिन इसके ऊपर मैं ये समझता हूँ सबसे पहले हमें इस मामले को समझने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि ये इशू असल में है क्या, ताकि ये देखा जाए कि इसके ऊपर आगे किया क्या जाना है। ये जो स्कैंडल है या एक्सपोज़े है, ये मैं समझता हूँ ये पनामा लीक से भी बड़ा एक एक्सपोज़े है, बिकॉज पनामा लीक में तो सिर्फ इंडिविजुअल्स की करप्शन की बात थी, यहाँ पे स्टेट एस्पियनाज, जिसको मैं समझता हूँ कि ये एक्ट ऑफ एग्रेशन भी है, वो उसका मामला है। और ये एक कॉन्टीन्यूड थीम है जिसका ज़िक्र अभी फवाद भी कर रहे थे कि जो हिंदुस्तान के खित्ते में अजायम हैं स्पेशली पाकिस्तान को लेके उनकी जो हरकत हैं, ये एक उसका दूसरा सबूत है। कुछ अर्सा पहले आपके सामने EU डिसइंफो लैब की एक पूरी तफसील आई थी कि किस तरह 750 से ज़ायद फेक अकाउंट्स, NGOs और इदारे खड़े करके एक पूरा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया गया
और उसको किस तरह इस्तेमाल किया गया इंटरनेशनली लॉबिंग करने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और उसके लिए जो इंफॉर्मेशन हासिल की जाती थी और जो इंटरनल इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के अंदर से निकालने का तरीका था, वो अब ये एक नया जो एक्सपोज़े आया है उसमें बात बिल्कुल अयां हो गई है। ये बात है जी पेगासस स्पाईवेयर की। पेगासस स्पाईवेयर के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। फॉरबिडन स्टोरीज़ पेरिस बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट जर्नलिज्म का एक इदारा है, उसने और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मिलकर 10 जुलाई 2021 को एक रिपोर्ट रिलीज़ की जिसमें कोई 17 से ज़्यादा न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ने इनके साथ मिलकर काम किया, 80 से ज़ायद जर्नलिस्ट की ये मुश्तरका काविश थी। उनके पास लीक डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें 50,000 से ज़ायद नंबर्स हैं, टारगेट्स का निशान था, और कुछ ममालिक उसमें आइडेंटिफाई हुए हैं कि पेगासस स्पाईवेयर को इस्तेमाल किया गया। अब देख पेगासस है क्या। पेगासस जो है इसको ज़ीरो क्लिक अटैक कहा जाता है। ये एक स्पाईवेयर है जो इज़राइल की एक कंपनी जिसका नाम NSO है, NSO ग्रुप, ये उसके जो तीन मालिक हैं उनके नाम के पहले हर्फ के ऊपर अपनी एक कंपनी ग्रुप का नाम है NSO, निव, शलव एंड उमरी, इन तीनों के नाम के मुखफ़ के ऊपर बनी हुई कंपनी है। ये कंपनी इस स्पाईवेयर को बनाती है और 2016 से ये स्पाईवेयर वो मुख्तलिफ ममालिक को बेच रही है। यहाँ पे ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है जानना कि ये जो स्पाईवेयर है पेगासस, ये एक मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर है। ये सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए दिया जाता है और इसराइल के अपने कानून के मुताबिक ये सिर्फ इसराइली हुकूमत की मर्ज़ी और परमिशन के बाद किसी हुकूमत को ही बेचा जा सकता है, कोई इंडिविजुअल इसको नहीं ख़रीद सकता। NSO ग्रुप ने ये 40 से ज़्यादा ममालिक और 60 से ज़्यादा अभी तक ये स्पाईवेयर्स बेचे हैं, लेकिन वो ख़ुद डिस्क्लोज़ नहीं करते कि किन को बेचा गया। जो फॉरबिडन स्टोरीज़ प्रोजेक्ट था, ये पेगासस जिसको प्रोजेक्ट पेगासस कहा गया, इनके पास जो इंफॉर्मेशन और डेटा आया उसके मुताबिक 10 ममालिक का इनके पास डेटा है कि जिन 10 ममालिक को जो क्लाइंट थे NSO के, जिनको ये स्पाईवेयर बेचा गया, उसमें से जो हमारी डिस्कशन के लिए रेलेवेंट है वो उसमें हिंदुस्तान एक मुल्क था। हिंदुस्तान ने ये स्पाईवेयर लेके ना सिर्फ अपने मुल्क के, जैसे फवाद चौधरी ने पहले जिक्र भी किया, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जितने डिसिडेंट थे, जो भी मोदी सरकार की बात कि उसकी इशू के ऊपर बात करते थे या उसको क्वेश्चन करते थे उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, इवन बिज़नेस जहाँ पे मोदी का कोई बिज़नेस इंटरेस्ट था उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, जजेस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया इंडिया के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के हायर ऑफिशल्स जिसमें डिफेंस के ऑफिशल शामिल हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब, उनके फ़ोन को भी अटैक किया और उधर से भी डेटा लेने की कोशिश की। ये जो इस चीज़ को रिपोर्ट गार्डियन ने भी किया है और ये 2019 का वाकया है। अब देखना यह है कि ये पेगासस स्पाईवेयर करता क्या है। ये ज़ीरो क्लिक इसको इसलिए कहा जाता है कि ये आपके फ़ोन को इन्फेक्ट करता है विद जस्ट सेंडिंग वन मैसेज। कोई मैसेज आएगा, आपने सिर्फ उसको खोलना है जैसे ही मैसेज को, तो आपका जो फ़ोन है वो कम्प्लीटली हैक हो जाता है। अच्छा, वो फ़ोन के अंदर जब उनकी एक्सेस हो जाती है तो ना सिर्फ आपका जो डेटा है, कॉन्टैक्ट लिस्ट है, मैसेजेस हैं, बल्कि जो जिनको हम इनक्रिप्टेड समझते हैं एंड टू एंड सॉफ्टवेयर जो वेयर्स हैं, जिस तरह से आपके व्हाट्सएप है या सिग्नल है, वो भी सारा इसके अंदर उसका डेटा उनके पास चला जाता है। इसके साथ साथ आपके फ़ोन का कैमरा भी इस्तेमाल होता है, उस पर उस कैमरे से आपकी पूरी वीडियो बन सकती है और आपका जो फ़ोन है वो एक लाइव ट्रांसमीटर बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो इनबिल्ट माइक है वो फिर डायरेक्ट करता है। तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक किस्म का है। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये जो NSO का सॉफ्टवेयर जब किसी मुल्क को बेचा जाता है तो उसके एग्रीमेंट का ये हिस्सा है कि ये सिर्फ मिलिट्री पर्पज़ के लिए टेररिज़म के मामले में टेररिस्ट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है। ये इसका एक कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशन है। लेकिन एक दफ़ा जब सॉफ्टवेयर किसी का वो बेच दिया जाता है तो उस सॉफ्टवेयर के बिकने के बाद आपका कोई कंट्रोल उसके ऊपर तो है नहीं, तो वो आगे किसके लिए भी इस्तेमाल होता है। और उसकी एक वाज़े मिसाल
एक गैर जिम्मेदार हुकूमत और मुल्क मैं समझता हूँ, उसको जब ये बेचा गया हिंदुस्तान को, तो उसने ना सिर्फ इसको इस्तेमाल किया अपने सियासी हरीफों के खिलाफ, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने टारगेट किया पाकिस्तान को। तो ये जो ये है कि ये पेगासस स्पाइवेयर है क्या, इसके साथ ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ, इसके साथ कोई 10 ममालिक और अभी जो लिस्ट हुए हैं उसमें 10 प्राइम मिनिस्टर्स को टारगेट किया गया मुख्तलिफ ममालिक ने, जिसमें से 3 प्रेसिडेंट और 1 किंग भी हैं। पाकिस्तान का मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान में पहले भी एक दफ़ा ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि सीनियर मिलिट्री ऑफिशल्स को टारगेट किया गया, उनके फ़ोन हैक करने की कोशिश की गई, और उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर को भी टारगेट किया गया। अच्छा, ये एक कोई वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है या वन ऑफ चीज़ नहीं है हिंदुस्तान की तरफ से, इसको इस कड़ी को अगर आप जोड़ें जो ईयू डिस इन्फॉर्मेशन लैब की रिपोर्ट आई थी कुछ अर्सा पहले, अब वो जो ब्रसल बेस्ड ये रिसर्च ग्रुप ने इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसमें 750 से ज़्यादा फेक मीडिया आउटलेट्स जिनके मुख्तलिफ थिंक टैंक्स और एनजीओज को एक इस्टेब्लिश कराया गया कि जी 95 ममालिक में काम कर रहे हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन जनरेट की जाती थी और वो सारी फेक इन्फॉर्मेशन होती थी, और उसको फिर इंडिया ही की न्यूज़ एजेंसी ANI से उसको आगे फैलाया जाता था, और वो पूरा एक कड़ी थी कि डिसइंफॉर्मेशन। और पर्पज़ क्या था, सिर्फ डिसइंफॉर्मेशन पर्पज़ नहीं था, पर्पज़ ये था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल फोरम्स जैसे कि EU है, उसकी मुख्तलिफ ज़ैली इदारे हैं, बॉडीज़ हैं, जहाँ पर आपकी ट्रेड को ले कर, आपके दीगर मामलात को ले कर हर वक्त आप उनके साथ नगोशिएशन में होते हैं, लेकिन इस तरह की न्यूज़ जनरेट करके, फेक न्यूज़ जनरेट करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग की जाती थी। और इसके साथ साथ ये साइबर एस्पियनॉज है, ये कानूनी तौर पे पाकिस्तान के जो UN का चार्टर है, इंटरनेशनल चार्टर है, उसकी भी ख़िलाफ़ वर्जी है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर ये हमला है, बिकॉज साइबर एस्पिनाज इज़ बेसिकली दिस इज़ अ मिलिट्री ग्रेड सॉफ्टवेयर जिसको इस्तेमाल किया गया, तो ये एक हमले के मुतरातिफ है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि हम करने क्या जा रहे हैं, हमने भी इनिशियल कंसल्टेशन की और इस पूरे मामले को देखा। पहली तो चीज़ ये है कि ये एक सीरियस इशू ऑफ कंसर्न है, इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। अभी तक ये जितनी रिपोर्ट आई है पिछले 10-12 दिनों में, इसके ऊपर फ्रांस ऑलरेडी एक स्टेप उठा चुका है और उन्होंने अपनी एक प्रॉपर इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ऑथराइज कर दी है इस पूरे मामले को देखने की। इसीलिए पाकिस्तान ने भी फैसला किया है इसी तरह से कि पाकिस्तान भी एक थॉरो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है, फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है, जिससे स्पाईवेयर की जो हैकिंग और जो भी इससे ऑफिशल्स को टारगेट किया गया पाकिस्तान में, उसका पता चलाया जाएगा। ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये इंटर एजेंसी कोऑपरेशन से की जाएगी, जिसके अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के अलावा FIA भी होगी, और कोई सीनियर ऑफिशल्स फॉरेन ऑफिस के, इंटीरियर मिनिस्ट्री एंड कैबिनेट डिवीजन, वो भी इसमें शामिल होंगे। तो इसको इन्वेस्टिगेशन करके इसके अंदर जो भी इसकी फाइंडिंग्स होंगी उनको इंटरनेशनली शेयर किया जाएगा तमाम फोरम्स के ऊपर, इंक्लूडिंग द UN। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की सीनियर लीगल टीम है वो इस पूरे इशू को एग्जामिन कर रही है, और इन लाइट ऑफ जो भी फाइंडिंग्स आती हैं एक लीगल स्ट्रेटजी भी डिवाइस करनी है, बिकॉज पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है और हमने अपनी जो सालमियत है और सॉवरेनिटी है उसकी हिफाजत करनी है, और जो हमारे लीगल राइट्स हैं उनको इस्तेमाल करना है इस एस्पिनॉज को और इस अटैक को रोकने के लिए। उसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस ज़ेरे गौर हैं, जिसमें इस मामले को यूनाइटेड नेशन और उसके ज़ैली इदारों की सतह पे उठाना है, EU की सतह पे उठाना है, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ, इंटरनेशनली हुआ। इसके साथ साथ जो राइट्स हैं, प्राइवेसी के राइट्स हैं स्पेशली प्राइम मिनिस्टर के और दीगर ऑफिशल्स के जो वायलेट हुए हैं, उनकी बेसिस के ऊपर मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर लिटिगेशन भी ज़ेरे गौर है। तो ये तमाम चीज़ें इस वक्त ज़ेरे गौर हैं। मेन चीज़ ये है कि पाकिस्तान टेक्स दिस एज एन अटैक ऑन इट्स सॉवरेनिटी एंड कंसिडर्स दिस एन इंडियन साइबर एस्पिनाज अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ गोइंग टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट इंडिया ऑन दिस सब्जेक्ट,
and Pakistan has authorized a formal investigation into the matter to see whose phone had been hacked and compromised and what information was taken out. तो ये इसके ऊपर आप सबको आगाह करना था. थैंक यू वेरी मच. अजाज साहब, जीएनएन सर, हमारे चाहते हैं सर मुझे दो सवाल आपसे पूछने हैं. एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुज़िश्ता रोज़ जो तकरीर की उसमें कश्मीर में आज़ाद कश्मीर वालों के लिए तीन ऑप्शन देने की बात की है. क्या प्राइवेसी की रेजोल्यूशन में ये ऑप्शन इस्तेमाल हो सकते हैं? नंबर वन. इसीलिए बता दें कि क्या कहीं ये नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू है? उनको इस किस्म की मुलाकातें नहीं भी करना चाहिए थी, लेकिन क्या हुकूमत ये समझती है कि वो पाकिस्तान के गद्दार हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो आपने कश्मीर के ऊपर बात की है, ये हमारी स्टेटेड पोजीशन है. पीटीआई ने इससे पहले भी जब हमने इलेक्शन भी लड़े हैं, हम कश्मीर के लोगों को ये बाकायदा हक देना चाहते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करेंगे. जब हम ये कहते हैं कि कश्मीर क्या फ़ैसला कश्मीरियों ने करना है, तो फिर हम इम्पोज़ तो नहीं कर सकते कि लाजमन उन्होंने क्या करना. हमारा स्टेटेड पोजीशन है जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन है उसके तहत प्लेबिसाइट होना है. वहाँ पे ये फ़ैसला होना है कि कश्मीरियों ने पाकिस्तान के साथ जाना है या हिंदुस्तान के साथ जाना है. उसके बाद ये पाकिस्तान का हमारा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है और ये स्टेटेड मौक़िफ़ है कि कश्मीरियों को ये हक देंगे कि वो आगे फ़ैसला अपना खुद करेंगे. और जो सिचुएशन है कश्मीर में, कश्मीर पाकिस्तानियों, उनका दिल पाकिस्तानियों से साथ धड़कता है, कोई ज़बरदस्ती रिलेशनशिप नहीं है हमारा. जब अगर आप हिंदुस्तान की जो ऑक्यूपाइड मकबूज़ा कश्मीर की भी जो क़यादत है, आप उससे भी पूछेंगे, वो आपको बताएंगे कश्मीरियों का दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है. और इमरान ख़ान कश्मीरियों के सफ़ीर हैं. कश्मीरियों का जो हक़ खुद अरादियत का मुतालबा है वो इमरान ख़ान ही तो दुनिया भर में लेके जा रहे हैं. और इसीलिए तो हिंदुस्तान क्यों, ये जो शहजाद साहब ने अभी आपके सामने तफसील रखी है, क्यों हिंदुस्तान जो है वो इमरान ख़ान के फ़ोन के पीछे पड़ा हुआ है या बाकियों के पीछे पड़ा हुआ है? इसलिए कि वो कश्मीरियों की बात करते हैं, वो पाकिस्तान की बात करते हैं. जहाँ तक नवाज़ शरीफ साहब गद्दार हैं या नहीं गद्दार, हमने उनसे सवाल पूछे हैं, उन सवालों का वो जवाब दें एंड लेट द पीपल डिसाइड. नहीं, मस्कर साहब बोलते हैं. अच्छा सर, आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के फ़ोन पे और सीनियर ऑफिशल्स के फ़ोन पे हमला किया गया, अटैक किया गया, तो क्या हम जान सकते हैं कि इस अटैक में किसी को कोई फायदा या कोई सक्सेस भी हुई है या नहीं हुई? देखिए, ये तो अभी इन्फॉर्मेशन, इसी के लिए तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑथराइज़ की गई है कि जो इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन करने का मकसद ये होगा कि ये जो अटैक है ये देखा जाएगा कि ये अटैक सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ. बिकॉज अभी जो इन्फॉर्मेशन इस रिपोर्ट में सामने आई है वो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका फ़ोन टारगेट था इंडिया की तरफ से, उनका वो फ़ोन नंबर था, जो उनके पास लीक डॉक्यूमेंट्स हैं. हम इसमें जो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम होगी, ये फॉरबिडन स्टोरीज जो है, जो रिसर्च ग्रुप है, इसके साथ भी राबता करेगी, उनसे भी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे कि अगर वो कुछ हमसे शेयर करना चाहें जो भी वो लीक डॉक्यूमेंट्स हैं. लेकिन इसके साथ साथ फ़ोनों का भी फॉरेंसिक होगा और उससे ये पता लगाया जाएगा कि क्या ये अटैक कामयाब हुआ या नहीं हुआ, और उसके बाद ही पता चला जाएगा कि क्या इन्फॉर्मेशन इसमें से लीक हो सकी. एक चीज़ मैं सिर्फ आपको ऐड ये कर दूँ, गार्डियन अखबार ने मुझे ख़त लिखा था जब ये स्टोरी आने से पहले, और उसमें उन्होंने मुझे ये कहा था कि ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो फ़ोन है, उन्होंने तीन नंबर दिए थे. उन्होंने कहा कि ये तीन नंबर जो हैं वो टारगेट हुए हैं वज़ीर आज़म साहब के. तो दो चीज़ें आप कंफर्म कर दें कि ये जो फ़ोन है वो वज़ीर आज़म साहब के ज़ेर इस्तेमाल रहे हैं, और दूसरा ये कि आप इसकी जो तहकीकात हैं या फॉरेंसिक हैं वो इसकी होना ज़रूरी है ताकि पता चलाया जा सके कि ऑपरेशन कामयाब हुआ है या नहीं हुआ. तो वो लेटर भी जो है वो शहजाद अकबर साहब के पास है. तो इसके ऊपर जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक तफसीली इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान लॉन्च कर रहा है, और जिस तरह से कल आपने देखा कि फॉरेन ऑफिस ने इसमें मुतालबा किया था कि अक़वामे मुत्तहिदा भी इसमें एक तफसीली इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करे, तो हम देखेंगे कि अक़वामे मुत्तहिदा इसके ऊपर करता है. अदरवाइज़ हम अपनी इन्वेस्टिगेशन जो अक़वामे मुत्तहिदा और दीगर इदारे हैं उनके साथ शेयर करें.
अभी जैसे मैंने कहा है कि कंसल्टेशन हो चुकी है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।